सो हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। सो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपने लेनोवो टैब 7 एसेंशियल की। सो दोस्तों, ये मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था और ये मेरे पास आ गई है अब। सो दोस्तों, अब हम देख सकते हैं आप, मेरे पास ये हमारी लेनोवो टैब आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा लेनोवो यहाँ लिखा हुआ है और ये रहा टैब 7 एसेंशियल। सो दोस्तों, ये जो अपना बॉक्स है बहुत ही थोड़ा भारी सा लग रहा है और हम आज इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे। सो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश शर्मा और आप देख रहे हैं ARSG यानी ऑलराउंडर शर्मा जी। सो दोस्तों, हम धमाका मचाने हैं शुरू हो गए हैं और आपके लिए आज हम लेके आए हैं लेनोवो टैब। सो दोस्तों, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये अपना बॉक्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा अपना लेनोवो टैब 7 एसेंशियल। सो दोस्तों, अब हम ये बॉक्स ऑरेंज और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टैब की फ़ोटो भी ऑरेंज में छपी है, देख सकते हैं आप ये रहा। और बात करते हैं इसके बैक साइड में। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं बैक साइड में हमारे ये लिखा है लेनोवो टैब। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये लिखा है अपना लेनोवो टैब और ये इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि थिन लाइट एंड्रॉयड 7.0 वर्ज़न है, ये मल्टी यूज़र अकाउंट्स है और यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा है, जैसे कि CPU डिस्प्ले, इसकी मेमोरी स्टोरेज और बहुत ही सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो अपना बॉक्स है वो ऐसे खुलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको ऐसे स्लाइड करना पड़ता है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जो अपना पहले नंबर पे आता है वो है अपना टैब। सो दोस्तों, इस टैब को हम निकाल देखते हैं और ये कुछ ऐसे पॉलोथिन में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे पॉलोथिन में आता है और यहाँ पे भी वही लिखा है जैसे हमारे इस उसमें लिखा था बॉक्स के ऊपर, थिन लाइट एंड्रॉयड 7.0 मल्टी यूज़र अकाउंट्स। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा, तो ये अपना टैब है कुछ इस प्रकार के, पीछे कुछ चिट्स लगी हैं, ये अपना कैमरा है और देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये पावर बटन है। पावर बटन मुझे कुछ अलग लगा, देख सकते हैं आप इसमें ये कुछ रफली कुछ है, अच्छा है पर। और इसका ये वॉल्यूम अप बटन है बढ़ाने और घटाने के लिए, ये एक इसका स्पीकर है और ये एक फ्रंट कैमरा है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना मेमोरी कार्ड वगैरह लगाने के लिए स्लॉट मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसमें लेनोवो लिखा है। जी दोस्तों, देख सकते हैं जैसे कि लेनोवो लिखा है, आपको पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं पर इसमें लेनोवो लिखा है। और दोस्तों, बात करते हैं अपने बॉक्स में और क्या क्या है। दोस्तों, अपने बॉक्स में यहाँ पे हम खोलते हैं तो अपना ये हमारे यूज़र गाइड्स, क्विक गाइड्स मिलते हैं और भी बहुत सारे पेपर वर्क। सो दोस्तों, इसमें सब हमें लिखा है कि हम कैसे चला सकते हैं, तो इन्हें तो रखते हैं हम साइड में और ये भी हम अपने साइड में रखते हैं। बात करते हैं अपने जो दूसरी साइड है, उस जगह हमारा लिख रखा है, देख सकते हैं ये है एक एडप्टर, इस पे यहाँ पे लिखा है लेनोवो। ये जो हमारा एडप्टर है आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये मेड इन चाइना है और इसका जो आउटपुट है वो 6.9 वोल्ट है जो इसका आउटपुट है। बात करते हैं इसकी USB, तो USB इसकी सिंपल है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है इसकी USB, सही है दोस्तों, देख सकते हैं आप इसकी ये USB है, इस पर भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है और ये सिर्फ ऐसा लिखा है। सो दोस्तों, ये था अपना बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर अब कुछ नहीं है, ये अपना खाली हो गया है ये बॉक्स। सो दोस्तों, इस बॉक्स में अब कुछ नहीं है, ये खाली है अपना बॉक्स। तो देखते हैं अपने टैब की तरफ। सो दोस्तों, ये रहा अपना टैब, अब इसको हम ओपन कर लेंगे।
सो दोस्तों जैसे ही हमने इसे ओपन किया, आप देख सकते हैं इसमें ये लेनोवो लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं जैसे लेनोवो लिखा है, ये कुछ देर में स्टार्ट होता है। देख सकते हैं आप, बहुत ही देर लगा रहा है स्टार्ट होने में। कोई बात नहीं, थोड़ा इंतज़ार करने में क्या आता है। ओ देख सकते हैं आप ये कैसा साउंड आया इसका, बहुत ही बढ़िया साउंड था। तो इसकी बैटरी कुछ लो है और ये कुछ इसका इंटरफेस है, देख सकते हैं आप ये अपने टैब का, और ये कुछ ऐसे आता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और ये देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये अपनी चीज़ें हैं सारी इसके अंदर। सो दोस्तों आप सभी ने देखा इसकी अनबॉक्सिंग, ये बहुत ही सही टैब है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक चीज़ है जिसके अबाउट में आप जा सकते हैं। इसका कैमरा अंदर 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट फेसिंग स्पीकर है। क्वाड कोर 64 बिट्स है इसका, 8 GB इसका मेमोरी है इसकी, स्टोरेज माइक्रो SD कार्ड लगता है इसमें मेमोरी कार्ड, और इसकी जो रैम है वो है 1 GB। जी दोस्तों 1 GB, और इसकी बैटरी है 3450 mAh की। जी दोस्तों ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है, और मुझे इसको टैब में ज़्यादा ज़्यादा ही मतलब बहुत ही बढ़िया लगी मुझे ये टैब। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप कर सकते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उस लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मैं ऐसी वीडियो ही आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों देखते रहिए ऑलराउंडर शर्मा जी। And love is all we'll ever trust.